गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम हैं अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं हम लोग हैं। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 1274 में हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है न्यू दिल्ली से हावड़ा तक। और हमारी टोटल डिस्टेंस होगी 1530 किलोमीटर की, और वो भी 21 घंटे 20 मिनट में। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और मिलते हैं आपको ट्रेन के अराइवल पे। आज डेट है 13 सितंबर और हमारी जर्नी होगी 13 सितंबर की स्टार्ट, और कल हम पहुंचेंगे सुबह 10:30 बजे। आज हमारी जर्नी स्टार्ट होगी 12:40 पे दिन में, और हम कल सुबह पहुंचेंगे हावड़ा जंक्शन। तो मिलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। भाई हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और देख रहे हैं जैसे ट्रेन हमारी हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस लग चुकी है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो चलते हैं, देखते हैं अपना कोच और मिलते हैं आगे। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली कोच नंबर DL1 में, जो कि सबसे लास्ट में आपको देखने को मिला, सबसे लास्ट में ही लगा हुआ है। और चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। सेकेंड सीटिंग कोच है तो बैठ के ही जाना है, और बहुत लंबी जर्नी है, 21 घंटे 20 मिनट की जर्नी होगी। ओ भाई खतरनाक ही सीन है वो। तेरी कौन सी है? मेरी 9 है। मेरी 9 है? मेरी 9 है। मेरी 9 है भाई। 9 है तेरी? 9 नंबर सीट। तो भाई भीड़ तो जम की है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, एकदम हालत ख़राब। और ये 21 घंटे की जर्नी भाई हालत ख़राब कर दी गई, और अभी ये सेकंड सेटिंग में। तो भाई पता नहीं कैसे होगा। तो जर्नी स्टार्ट की है तो भैया ख़त्म तो करना ही है। तो चलिए देखते हैं डिपार्चर, मिलते हैं डिपार्चर पे। अभी मौसम तो ठीक ही है, लेकिन धूप भी है, हवा भी चल रही है। तो मिलते हैं डिपार्चर पे आपको। Thank you.
सेंट्रल पे। न्यू दिल्ली से चल के हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। और भाई सफ़र इतना खतरनाक है ना भाई, ऐसे जगह बैठे हुए हैं ना हम लोग कि एकदम बैठने लायक ही नहीं है। पूरे मतलब जिसके पास टिकट नहीं है भी ना वो भी बैठ गया है। तो अभी तो पहला हॉल्ट है 440 किलोमीटर के बाद ये कानपुर सेंट्रल पहला हॉल्ट पड़ता है। तो देखते हैं आगे की कैसा जर्नी रहती है। कल हम सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे हावड़ा। तो लंबी जर्नी है, बैठ के जाना है वो भी। और चलिए ये भी नया ही सफ़र है तो इसको भी देखते हैं कैसे पूरा कर सकते हैं हम लोग। ये भी एक तरह से टास्क हो गया हम लोग का। तो चलिए देखते हैं आगे के सफ़र, मिलते हैं डिपार्चर पे। तो भाई कानपुर से हो चुका है डिपार्चर। तो भाई डिपार्चर में इतने ज़्यादा लोग चढ़ गए ना कि भाई बस समोसा लेते लेते बस बच ही गए, नहीं तो छूट गए होते नीचे। तो आप देखिए डिपार्चर। पर
के जरूर जाती हैं और खासकर स्टॉक भी यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कानपुर सेंट्रल तो निकल गया। अब नेक्स्ट इसका स्टॉपेज होगा दीनदयाल उपाध्याय DDU। तो अभी शाम हो गई है और देख रहे हैं शाम के बज रहे हैं 6:36 हो रहे हैं और अभी 25 मिनट डिले चल रही है ट्रेन। तो मिलते हैं आगे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे। वो रात के आएगा 10:30 बजे के करीब, 10:30-11 के करीब आएगा, तो मिलेंगे वहीं पर। भाई हम आ चुके हैं DDU दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो भाई इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि भाई कुछ कर ही नहीं सकते भाई। 778 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके हम दिल्ली से DDU पहुंच चुके हैं और बच रहे हैं टाइम अभी रात के 10। और भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो भाई मिलते हैं डिपार्चर पे, क्योंकि अब तो हिम्मत नहीं है और सीधे सुबह ही मिलेंगे, तो लास्ट है। और तब तक के लिए बाय बाय। द नेक्स्ट डे लिखा है वेज और यहाँ कुछ आता ही पता नहीं है। और खाना भाई छोड़ो, सब कुछ बेकार, लेकिन भाई
ट्रेन की टाइमिंग और ट्रेन की स्पीड एक नंबर भाई, एक नंबर। एक घंटा बिफोर चल रही है अभी भी ट्रेन, और ये चीज़ रात से ही है, एक घंटा बिफोर ही चल रही थी और अभी भी एक घंटा बिफोर ही है। तो भाई चलो भाई, तगड़ा चलान कट रहा है। तो भाई 1530 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा जंक्शन। तो भाई अभी धक्का धक चलान कट रहा है, जो लोग बैठ जा रहे थे आके और बिना रिजर्वेशन के जनरल समझ के जो लोग बैठ जा रहे थे, टीटी ने दोनों तरफ से पकड़ लिया। अब लंबा लंबा चलान बन रहा है जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो भाई यहीं तक थी हमारी जर्नी ठीक थी, अच्छी थी। भाई फेयर की बात करूँ सेकंड स्प्रिंग की, तो हमको 675 रुपये लगे हैं, वो भी न्यू दिल्ली से यहाँ तक के। तो भाई टाइम के बात करें, टाइम भी सही था, ऑन टाइम पहुँचाई, बिफोर टाइम पहुँचाई ट्रेन। और फिर उसके बाद 21 घंटे में लगे आने में दिल्ली से हावड़ा तक के, 21 घंटे भाई बैठे 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 हाल ख़राब हुआ भाई मुश्किल से। कल हम लोग बैठे और आज हम लोग सवेरे पहुंच गए, पूरे टोटल 21 घंटे लगे। कल सुबह 12:30 बजे हम लोग बैठे थे, 10:30 बजे हम लोग पहुँचे। तो एक 21 घंटा का सफ़र था। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।